अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो चैप्टर नंबर 4 था, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो उनसे है वो देख लिया था प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक क्या होती है, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, बाइट डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, सिंगल है, डबल है, इस तरह करके हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। डेट हमारे पास डेटा टाइप्स है, फिर वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल नेम देने के रूल देखे, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, विद सफिक्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है, ये चीज़ हमने देख ली थी। और फिर हमने इसको भी न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल और वेरिड वेरिएबल भी हमने देख लिए थे, ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल वो इंटीजर वगैरह, स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें स्ट्रिंग आती है, स्पेशल वेरिएबल जिसमें डेट वगैरह आ जाती है, और वेरिएंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएंट का वर्ड लिख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आए तो आगे आप थोड़ा सा जो इनको है पेजेस नंबर है इनको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कि हमने ये क्या चीज़ देखी थी। अच्छा जी, या उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आप जाके देख लें, आपको वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ से आपने जाके लेक्चर को देखने, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर उसको ओपन करें, यहाँ पर आप यूट्यूब ओपन कर लें, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो आ रहा है, तो इधर आपने लिखना है जी सेवर हब, ठीक है जी, सेवर हब लिख दिया, सेवर हब पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये विजुअल बेसिक की प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन आ रही थी कि सर वो क्लियर नहीं आता, तो यहाँ पे आप देखें इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप 720 पे चलाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगी स्क्रीन आपको, ठीक है। और अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पर राइट साइड पर यहाँ पर देखिए ये हॉरिजेंटल 3 डॉट्स है ना, वर्टिकल 3 डॉट्स होंगे, उन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा 240 कौन सा, तो आपने 720 पे चलाना है तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर आएगा। अच्छा जी, अब जो उनसे है यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक तो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स और कुछ कॉन्स्टेंट्स को हम देख लेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख लेंगे, बिल्कुल तो आसान सी चीज़ें, और कंकेटिनेशन तक इंशाल्लाह आज तो मैं आज मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा जी, अब यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको आज हमने देखना है, तो इसको जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पेज नंबर 82, 82 में यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखें यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको पढ़ें तो देखें हमने जितने भी वेरिएबल असाइन किए थे, बनाए थे, फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था, ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करवा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर देखें हम जो पहले वेरिएबल लेते रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ और इसके मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ कि अंदर कुछ शो ना हो, और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, कमांड बटन, ठीक हो गया जी। कोशिश करें जी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ मतलब आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा एक इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर इंस्टॉल क्या करना, जस्ट नेक्स्ट 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 करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसको इंस्टॉल करना, अलबत्ता डाउनलोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये बैक एंड कोडिंग पे हम आ गए, ठीक है। कौन सा जनाब ये इवेंट कौन सा, जी क्लिक का इवेंट है, ठीक है, वो कमांड शो क्लिक, और ये रिजर्व वर्ड है प्राइवेट साहब और ये वो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, और सॉरी पहले हम लिखते हैं डिम और डी कैपिटल, और फिर वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं नेम, नेम नहीं चलो नंबर लिख देते हैं, नंबर 1 एज, एज का ए बड़ा होता है और इंटीजर का आई बड़ा होता है, इंटीजर, ये हमने वेरिएबल लिया। अब मुझे बताएं कि इस नंबर 1 में हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइप की इंटीजर है तो इंटीजर टाइप ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है,
लेकिन अब ये जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है, ये क्या चीज़ होती है कि अगर हम कोई ऐसे हमारे सिनेरियो आ गया है जिसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक से ज्यादा वैल्यू उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, तब हम ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लें। द बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू। बेसिक टाइप कौन सी, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, जितने भी हम वेरिएबल पढ़ चुके हैं पहले, वो क्या थी जी, बेसिक टाइप। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल इंटीजर वैल्यू, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू। इन अब वो कह रहा है कि उसमें एक एक वैल्यू होती है। इन सम सिचुएशन द यूजर में रिक्वायर टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वेरिएबल। कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम एक ही वेरिएबल में कह रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराएं, स्ट्रिंग भी उसके अंदर हो, इंटीजर भी उसके अंदर हो, इस तरह हम चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इज कॉल्ड रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सके, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अब रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड में कंटेन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, कैसे, आ रिकॉर्ड में स्टोर रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, मार्क्स भी इंटीजर है, ग्रेड जोन सा स्ट्रिंग है। अब इसमें देखिए तीन चार दो तीन के दो किस्म के बेसिकली, एक इंटीजर और स्ट्रिंग, लेकिन हम एक ही किस्म के वेरिएबल में इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा, वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिकॉर्ड में लुक लाइक एज फॉलो। कैसे स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हम स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, कैसे सेंटेक्स होगा भी मैं करके दिखाऊंगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। पता नहीं आप कहेंगे कि ये समझ नहीं आ रही बात, जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जी क्या कर रहे हैं, द फॉलोइंग लाइन डिफाइन एज यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड। अच्छा, टाइप माई टाइप हम लिखेंगे यहाँ पे, बताऊंगा कैसे, अब ए एज इंटीजर, बी एज स्ट्रिंग और सी एज डबल। अब हमने कितने वेरिएबल ले लिए, एक दो और तीन। ठीक है, ए को हमने एज इंटीजर ले लिया, बी को हमने स्ट्रिंग ले लिया, सी को डबल ले लिया, मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी 1 2 3, स्ट्रिंग में कोई नाम आ सकता है और डबल में कोई मार्क्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं प्रोग्राम हम बनाते हैं, उस प्रोग्राम क्या बनाना है, राइट अ प्रोग्राम डेट डिक्लेयर यूजर डिफाइंड वेरिएबल। हम उसमें यूजर डिफाइंड वेरिएबल लिखेंगे, बनाएंगे, वो स्टोर क्या करेगा, रोल नंबर स्टोर करेगा, नेम करेगा और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तीन चीज़ें स्टोर करनी है। रोल नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, मार्क्स क्या है, मार्क्स भी इंटीजर में भी कर सकते हैं, डबल में भी कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, द इनपुट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वन डिस्प्ले इन वन फॉर्म। ठीक है, एक ही फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए जी, अब हम कैसे कर रहे हैं जी, ये देखें आप, यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, ये देखें, ये है हमारा तरीकेकार इसको करने का, कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है जी, प्राइवेट टाइप, टाइप हमने रिकॉर्ड दिया है, फिर ये हमने वेरिएबल लिया आर नंबर एज इंटीजर, नेम एज स्ट्रिंग, मार्क्स एज इंटीजर, ये हमने लिखा है। इसको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, फिर क्या किया जी, फिर वो कहते हैं ऐड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक इवेंट, ये हमने क्लिक इवेंट में लिख दिया, डिम आर एज रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए डिम आर एज रिकॉर्ड, अब ये वेरिएबल क्या है, आर है, लेकिन टाइप कौन सी है इसकी, रिकॉर्ड टाइप है। पर इसको हम बैक पे लेके जाएं तो यहाँ पर एक, आप ये देखें कि इसने यहाँ पर क्या किया है, जनरल डिक्लेरेशन में जाकर उन्होंने यहाँ पर ये टाइप किया। ठीक है, जनरल में जाकर और यहाँ पर डिक्लेरेशन में हमें पहले ये रिकॉर्ड की टाइप करनी है एंटर, और देन जो सा है उनका ये रिकॉर्ड आएगा वहाँ पर, तो तब ये रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, फिर आर डॉट आर नंबर, आर डॉट नेम, आर डॉट मार्क्स, ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। फिर हम इसको करेंगे इस तरह करके इनपुट बॉक्स में कर लें, या आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम उस तरह भी इसको देखेंगे कैसे इनपुट बॉक्स को भी यूज़ कर लेते हैं। चलें, अच्छा, अब दो तीन चीज़ें आपके लिए नहीं आई हैं, तो इसको थोड़ा सा हम जो है ना ज़रा तसल्ली से करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है जी, कैसे करें जनाब, अब देखिए हमने खोल ली जनाब, ये ओपन कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनकी बैक एंड कोडिंग पे जाते हैं। ठीक है, बैक एंड कोडिंग पे जाने पर यहाँ पे क्या ओपन करना है, जनरल, जनरल, ये देखें जी, अगर यहाँ आपको मैं दिखाऊँ, बेसिकली ये था, इसको मैं क्लोज कर देता ताकि बार बार ये चीज़ ना आए, ये देखिए, ये जनरल में गए, प्राइवेट टाइप रिकॉर्ड लिखी और यहाँ पर एंड टाइप किया, और ये डिक्लेरेशन में गए। ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो पहले ही लिखा हुआ है प्राइवेट, सॉरी, ये डिक्लेरे, जनरल में गए, और जनरल में जाने के बाद हम किस में गए, डिक्लेरेशन में, प्राइवेट टाइप रिकॉर्ड लिखा है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर जनरल में हम चले गए, जनरल में आ गए, और डिक्लेरेशन में हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये कमांड ऑन आ गया, ये जनरल में आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, प्राइवेट, PRIVATE प्राइवेट, TY टाइप, ये हमने देखना जो कैपिटल है कैपिटल, और REC रिकॉर्ड। ठीक है, प्राइवेट टाइप रिकॉर्ड, और फिर हमने क्या लिखा जी वहाँ पर, दोबारा देख लेते हैं, R नंबर एज इंटीजर, इंटीजर टेक दिए तो, और N टाइप कर दिए। ठीक है, इंटीजर सिंपल इंटीजर डिक्लेयर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल R रोल नंबर। ठीक है, R नंबर रोल नंबर, एज एज का A, इसको हमने एज क्या लेना है, इंटीजर लेना है। अच्छा, फिर हमने नेम लिखना है, नेम एज क्या होगा, ए का ए बड़ा, और एज क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और आर रोल नंबर था, नेम था, और तीसरा क्या था, ग्रेड था, आई थिंक ग्रेड था, मार्क्स, तो MAR के मार्क्स एज एज INT इंटीजर। ठीक है, अच्छा अब ये हमने कर लिया, ये अब हमने क्या बना लिया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना ली, और इसको एंड क्या कर देना, ENDNTYP, ये रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ये देखिए, ये प्राइवेट टाइप, ये टाइप हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने, अच्छा ये आपने देखना, ई कैपिटल है तो ई कैपिटल, टी कैपिटल है तो टी कैपिटल लिखना है आपने, ये आपने याद रखना है। और क्योंकि ये प्राइवेट वर्ड्स आपने देखना होता है कि अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल, देखिए थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो आपको शो होगा कि ये जो पी है ये ब्लू कलर में आ रहा है, हल्का हल्का से देखें ना, ये ब्लू कलर और ये ब्लैक कलर, जो जो आपके होते हैं रिजर्व वर्ड्स वो हमेशा ब्लू कलर में हो जाते हैं। अच्छा अब ये अब देखिए ब्लैक में, इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो प्राइवेट वर्ड होते हैं वो आपने एज इट इज लिखने होते हैं, प्राइवेट कह रहा हूँ, ये जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स। अच्छा आर देखिए, अब आप यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पे देखिए कैपिटल है, मैंने खुद मतलब इसको स्मॉल में लिख सकते, अब ये मैंने बेसिकली ये मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किया, ये मैंने अपनी एक डेटा टाइप डिफाइंड की है आर। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें हमने क्या किया, इसी के अंदर देखिए तीन किस्म के मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक को इंटीजर कर दिया है, एक को स्ट्रिंग कर दिया है, और तीसरे को भी इंटीजर कर, इसको हम डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अब देखें जी, यही हम पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या था जी आज का, हमारा टॉपिक आप देख ले, यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल में हम क्या करना चाह रहे थे, बेसिकली एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे थे और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू असाइन करना चाह रहे थे, जबकि पुराने में हमने क्या करते, जो नॉर्मल तौर पर हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होता है, लेकिन हम ऐसा एक वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे थे जिसमें दो तीन किस्म के टाइप्स के हम क्या कहते हैं वैल्यू असाइन कर सके। ठीक है, तो ये देखिए अब एक मैंने बना लिया यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ये देखिए रिकॉर्ड, मैंने यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाया, अब इसके अंदर मैं तीन किस्म के रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, एक मैं आर नंबर इंटीजर टाइप का, एक मैं स्ट्रिंग टाइप का, और एक मैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, अब ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। अब हम जनाब इसके अंदर कोडिंग करते हैं, अब ये हमने ऊपर किधर गया, ये हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, ये अलहदा से है, अब हम नीचे आते हैं, कमांड वन पे आ गए और क्लिक पे आ गए, कमांड वन वो बटन का नाम है, ये देखे कमांड वन बटन का नाम है, और क्लिक किसका, इवेंट है, जब ये इवेंट फायर होगा तो ये करना है, तो यहाँ पे इस लाइन को मैं खत्म कर देता हूँ। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं जनाब, कैसे वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, मेरी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसकी वजह से, थोड़ा सा मुझे भी लिखना पड़ा। अच्छा डिम करके हम वेरिएबल को साइन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब हो गया जी, अब देखें जी डिम, अच्छा वेरिएबल का नाम आप रख दें आर ही रख देते, आर वन लिख दें, आर उधर कर कर एज, अब देखें REC आ रहा है जी रिकॉर्ड, देखें ये क्यों आ रहा है, ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये कौन सा वेरिएबल टाइप है, ये मेरी वेरिएबल टाइप है जो मैंने यहाँ पे की है, अगर मैं एरक वेन लिख दूंगा ना वन, तो देखना यहाँ पे सॉरी REC, तो यहाँ पे भी रैक वन नजर आएगा आपको, यहाँ पे ये अब गलती शो करेगा, देखिए मैं अब REC करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक उसने सेव नहीं किया, यहाँ पे एन टाइप प्राइवेट टाइप रिक्वन, ठीक है REC,
दोबारा इसको डिफाइन करके देखते हैं। डिम आर एज, ये वेरिएबल का नेम आर एज ए कैपिटल और आर ई सी, देखिए हम रखवाना आ गया ना। तो ये वो है जो कि हम यहाँ पे जो आप अपनी टाइप डिफाइन करोगे वही टाइप आपको यहाँ पे शो होगी। अच्छा अब हम इसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते। अब देखो आर ई सी वन लिखो आप, कैपिटल में लिखना आर ई सी आर कैपिटल में, क्योंकि मैंने वहाँ कैपिटल लिखा, वहाँ स्मॉल हो तो यहाँ स्मॉल वन डॉट। जैसे डॉट डालूंगा तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। डॉट सबसे पहले आर नंबर था, ठीक है, तो इसमें हम ठहरे चेक कर लेते हैं आर ई सी रेक वन डॉट रोल नंबर, आर नंबर ही था, देखते चेक करते हैं क्या था जी। आर नंबर आर कैपिटल आर एन ओ, तो आर कैपिटल था आर एन ओ, ठीक है इक्वल टू। अच्छा आप इसको आप इनपुट के थ्रू भी एंटर करवा सकते हो, ठीक है, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वे है, ठीक है, लेकिन चलो उन्होंने यूज़ किया हुआ तो हम भी उसको वैसे यूज़ करते हैं जैसा उन्होंने यूज़ किया। इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स आपने लिखा है, फिर जब चलाओगे ना इनपुट वो लेगा, नंबर लेगा, इनपुट बॉक्स एंटर रोल नंबर और फिर यहाँ पर एंटर और फिर यहाँ पे इस तरह करके, तो ये आप यहाँ पे आप इसको आर डॉट नंबर करके इसको शो करवा सकते, तो इनपुट बॉक्स करके आपने इसको ले लेना है। अच्छा जी आई एन पी यू टी इनपुट बी ओ एक्स बॉक्स, ठीक है जी, और यहाँ पे डबल कोटेशन, ठीक है, एंटर रोल नंबर, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आर ई सी रेक वन डॉट, दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा किया था नेम, एन ए एम ई नेम, और आई एन पी यू टी इनपुट बी ओ एक्स बॉक्स, ठीक है, डबल कोटेशन में एंटर नेम, बस जैसे लिख देते एंटर एन ए एम ई नेम, ठीक हो गया, यहाँ पे भी शेक, चले एंटर नेम कर देते। अच्छा उसके बाद तीसरा क्या था जी हमने किया, मार्क्स, तो आर ई सी वन डॉट एम ए आर ए एस मार्क्स इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ठीक है, प्लीज एंटर कर दे, जैसे एंटर कर दे एंटर एंटर एम ए आर के एस मार्क्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं, पी आर आई एन टी, प्रिंट क्या करेगा, फॉर्म के ऊपर प्रिंट करेगा, ठीक है, फॉर्म के ऊपर प्रिंट करेगा, तो हम प्रिंट क्या कर देते हैं इसको, जस्ट हम फिलहाल इसमें लिखते हैं आर वेक डॉट आर सॉरी डॉट आर नंबर, आर नंबर ऐसे लिखा हुआ मैंने ऊपर आर एन ओ, ठीक है ठीक है, फिर प्रिंट करता हूँ और फिर करता हूँ आर ई सी रेक वन डॉट एन एम नेम, इसको इसको प्रिंट करो, ये जो वैल्यू हम यहाँ एंटर करेंगे ना ये इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा प्रिंट आर ई सी वन डॉट डॉट और हम क्या करते हैं यहाँ पर रेक वन डॉट क्या है जी मार्क्स एम ए आर के एस मार्क्स, आई थिंक थोड़ा सा इशू शायद बन जाए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट को यूज़ किया है ना, लेकिन देखते हैं, डिम के साथ ही वेरिएबल डिफाइन किए हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक गलती हो गई मुझसे, क्योंकि यहाँ पे हमने आर किया है इसलिए वो शो नहीं कर रहा, सॉरी आर डॉट आर नंबर लिखना है आर डॉट, हाँ ये तो मैं कह रहा था कि इशू क्यों आ रहा है, देखिए ये सारा शो करता है, आर लिखा तो ये सारे आ गए, तो आर नंबर यहाँ पे थोड़ी सी गलती में से हो गई थी। और यहाँ पर भी हमने क्या करना है आर डॉट नेम, और यहाँ पर भी आर डॉट, देखिए आ गया मार्क्स, खुद ही वो देगा। अब यहाँ पे शो भी हमने क्या करना है इसी तरह आर डॉट आर, देखिए प्रैक्टिस ना होने की वजह से मेरी भी इतनी प्रैक्टिस इस पे मैंने नहीं की, इसकी वजह से ये इशू आ रहे, तो आपने भी प्रैक्टिस देखें, प्रैक्टिस के बगैर ये फिर आपको समझ नहीं आएगी चीज़, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये डाउनलोड, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने डाउनलोड करना है आर डॉट मार्क्स, ठीक है जी। अब देखें जी अब प्रिंट करते हैं,
ठीक है, इसको चलाते हैं। हाँ जी, इसको जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे ये पूछेगा क्यों, बटन पे क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये बटन पे क्यों कर रहा है। बटन पे इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने ये सारा कुछ बटन में लिखा है, तो क्लिक करेंगे तो ये इवेंट चलेगा सारा। ठीक है, तो इस बटन पे मैंने चलाया, कह रहा है जी एंटर रोल नंबर 22, कह रहा है जी एंटर नेम अली, ओके, कह एंटर मार्क्स 20, ओके, ये देखिए जी 22 रोल नंबर, अली नेम और मार्क्स ये। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, अब ये आप समझे। अब ये इनपुट बॉक्स क्या करता है, ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, इनपुट बॉक्स जैसे ही मैं चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको शो करवाता हूँ, जैसे ही मैंने इसको चलाया, देखे उसने एक डायलॉग बॉक्स इनपुट, इसको हम इनपुट बॉक्स कहते हैं। अब एंटर रोल नंबर, एंटर यहाँ पे मैं जो वैल्यू साइन करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर 11 एंटर करता हूँ, तो ये 11 रोल नंबर ये इनपुट जाके किस में सेव हो जाएगी, इस वेरिएबल में, आर डॉट आर नंबर में। ठीक है, ये 11 यहाँ सेव हो गया। अब फिर उसे नेम पूछा, मैं नेम लिख देता हूँ अक्रम। अब ये अक्रम कहाँ होगा, ये अक्रम इसके अंदर सेव हो जाएगा। फिर एंटर करता हूँ, ओके कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं मार्क्स एंटर करूँ, मार्क्स करता हूँ 60। अब मैं फिर ओके करूंगा तो ये मार्क्स इसमें जाके सेव हो जाएंगे। जब इसमें हो गया, यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, जो आर नंबर में वैल्यू होगी वो आर नंबर की शो कर देगा, जो नेम की वैल्यू होगी नेम में शो कर देगा, जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो मार्क्स में शो कर देगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखें, 11 मैंने शो किया था आर नंबर में, यहाँ देखें प्रिंट हो गया। प्रिंट मैंने आर डॉट नेम में मैंने अक्रम प्रिंट किया था, अक्रम प्रिंट हो गया। प्रिंट डॉट आर मार्क्स मैंने किया था इसके नीचे, तो मार्क्स मैंने 60 एंटर किया था, तो मार्क्स यहाँ पे 60 एंटर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें प्रैक्टिस चाहिए, आगे आसान चीज़ें, ये एक चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी कोई नहीं आगे मुश्किल। क्या है, एक तो यहाँ पर हमने, दोबारा बताता हूँ मैं, अब दोबारा आपको समझाता हूँ। अब ये देखें हमने क्या किया, मैं दोबारा जाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल डिफाइन। अब यूज़र डिफाइन कैसे करते हैं, हमेशा जनरल में जाकर या डिक्लेरेशन में जाकर ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पर हम एक ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल असाइन, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल क्या था, रिकॉर्ड 1। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, प्राइवेट टाइप रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे हमने देखे तीन किस्म के लिए, ठीक है, हम इसको डबल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डबल भी शक कर दें। अब देखो तीन टाइप के इसमें वेरिएबल है, एक तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग टाइप का है और एक डबल टाइप का है। फिर हमने एंड टाइप कर दी कि ये जो हमने अपने यूजर डिफाइंड वेरिएबल असाइन किया इसको हमने एंड कर दिया, ये हमारा हो गया, हमने यूजर डिफाइंड कर दिया। अब हमने यूज करना था, अब हम किधर चले गए, कमांड 1। ये कमांड 1 से भी आप जा सकते हो, और यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे तो फिर भी आप यहाँ पे आ जाओ, तो ये आपके ऊपर, ये सारा इधर ही कोडिंग होती है। ठीक है, अच्छा जी, कमांड 1 में आ गए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे वही एक वेरिएबल साइन किया, लेकिन किस टाइप का, एज इंटी, हम वैसे कैसे वेरिएबल साइन करते हैं, हम लिखते हैं कैसे वेरिएबल करते हैं, डिम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर, और एज इंटीजर, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डबल है, सारा कुछ है, लेकिन ये RC1 कहाँ आ गया, ये कैसे आ गया, ये इस तरह आ गया कि ये हमने अपना एक वेरिएबल बनाया है, अपना यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, अपने टाइप का वेरिएबल बनाया। तो अब जब अपने टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, तो इसमें हमने कितने टाइप के रखे थे, तीन टाइप के, एक रोल नंबर, एक नेम। अब ये कैसे किया, आर डॉट लिखेंगे ना, खुद ब खुद वो लेके आएगा कि इसके साथ हमने ये तीन वैल्यूज, ये तीन वेरिएबल असाइन किए, देखिए इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, और एक ही टाइप में आ गई। तो आर डॉट रोल नंबर में हमने मार्क्स एंटर, रोल नंबर एंटर कर दिया, नेम में हमने नेम एंटर कर दिया, मार्क्स में हमने मार्क्स एंटर कर दिया। अब इसको दोबारा चलाते हैं, कमांड पर क्लिक करता हूँ, तो कमांड पर क्लिक क्यों चला, क्योंकि कमांड के अंदर मैंने चलाया, तो रोल नंबर 11, नेम अली और मार्क्स 900, ओके, देखिए जी आ गया 900 मार्क्स और यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, आप अभी कहोगे कि सर ये अब इतनी प्रोग्रामिंग की है और खाली ये शो हुआ है, तो देखिए आस्ता आस्ता ये अभी स्टार्ट है, आस्ता आस्ता जब आ गया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें, जब बेसिक चीज़ें समझ आ गई तो आप जो दूसरे बड़े प्रोग्राम भी हम बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल टाइप देखे चेंज कर दी थी, पहले यहाँ पे टीचर था, अब देखे तीन किस्म की वेरिएबल यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, इसकी आपने तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है, आगे आसान आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। क्या है जी आगे, थोड़ा सा इसको, क्योंकि देखिए आपका पूरे वीक में ये दो तीन लेक्चर ही होते हैं, तो आगे पूरा वीक फ्री गुजरना है, तो एक दफ़ा उसको आगे देखा। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, आप क्वान्टिटी डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वो होते हैं, कहते हैं कि जो प्रोग्राम जब चल रहा हो तो उसके एग्जीक्यूशन के टाइम वैल्यू अगर चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं।
दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट विजुअल कहते हैं वेरिएबल विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, लिटरल कॉन्स्टेंट्स हैं, यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं और सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये कौन कौन से लिटरल कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, कह रहे हैं अ वैल्यू डेट इज टाइप डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम इसका लिटरल कॉन्स्टेंट, अ टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी यूज इन विजुअल बेसिक विदाउट स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 इज अ लिटरल कॉन्स्टेंट इन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा तो कह रहे हैं दिस वैल्यू इज डायरेक्टली यूज इन एक्सप्रेशन, ये जो 10 है ना ये लिटरल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट 100, हेलो वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन है, 100 इन द सेकंड आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरल कॉन्स्टेंट्स, द वैल्यू ऑफ लिटरल कॉन्स्टेंट कैन बी चेंज इन डिजाइन टाइम कैन नॉट बी चेंज इन रन टाइम। ठीक है, रन टाइम जब हम इसको चलाएंगे तो फिर इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसको यूज कर रहे होते बस इसको हमें सिर्फ नाम नहीं आ रहा होता। तो लिटरल कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो वैल्यू को हम हार्ड कोडेड, बेसिकली इसको हम हार्ड कोड कहते हैं, हार्ड कोडेड कर देते हैं। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन के टाइम इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ये मैं अभी आपको प्रोग्राम भी बनाएंगे तो फिर आपको मैं साथ साथ समझा भी दूंगा। उसके बाद है यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, अगर यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू, इट इज सिमिलर टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की तरह होते हैं एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट बी चेंज हुए, लेकिन ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं आगे क्या एग्जाम्पल है इसकी। अ यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट इज यूज अकॉर्डिंग इन द फॉलोइंग रूल्स, अच्छा फॉलोइंग रूल में क्या होता है, कॉस्ट क्वालिफायर इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉस्ट क्वालिफायर हम साथ उसको लिखते हैं, ये कॉस्ट का वर्ड लिखते हैं। तो यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, इट मीन दैट यू मस्ट असाइन अ वैल्यू टू द कॉन्स्टेंट टाइम। वो कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा था, इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो साथ वैल्यू भी असाइन कर दें, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। वेरिएबल हमने बनाया और साथ एक वैल्यू भी असाइन कर दी, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। अच्छा ठीक हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज एग्जीक्यूशन, ये चेंज नहीं होता। ठीक हो गया, अच्छा द नेमिंग कन्वेंशन फॉर कॉन्स्टेंट्स आर सेम एज वेरिएबल्स। ठीक है, वो कह रहा है जी जो कॉन्स्टेंट्स के मतलब नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब शुरू में वन नहीं आना चाहिए, जैसे इंटीजर डिफाइन करते हैं उसी तरह इसको भी डिफाइन करना है। ठीक है, द कीवर्ड कॉन्स्ट यूज इन इंडिकेट द डिक्लेरेशन इज फॉर द कॉन्स्ट नेम नॉट अ वेरिएबल। तो क्या उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल नहीं है ये, नेमिंग कॉन्स्टेंट क्या है, तो कॉन्स्ट के साथ ये कॉन्स्ट नेम, ये जो वेरिएबल हम कर रहे हैं ना ये है। ठीक है, तो द कीवर्ड कॉन्स्ट यूज टू इंडिकेट दैट द डिक्लेरेशन इज फॉर अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, नॉट फॉर अ वेरिएबल। तो कह रहा है कि ये वेरिएबल के लिए नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंट के लिए, इसकी हम वैल्यू बाद में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर, जब चेंज करेंगे तो हमें वो वार्निंग देगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक प्रोग्राम बना के दिखाया जी। ठीक है, तो यहाँ पे डिम करके और उन्होंने कॉस का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया, आई थिंक देखता हूँ, कॉस्ट एज इंटीजर हो गया, कॉस प्राइस एज इंटीजर। अच्छा ये देखो प्राइस को उसने क्या लिखा, प्राइस के पहले कॉस्ट लिख दिया। ठीक है, ये देखें कॉस्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट लिख के वेरिएबल वेरिएबल का नहीं कॉन्स्टेंट का नाम लिख दिया एज इंटीजर, और वेरिएबल इसको इसको वैल्यू और साइन कर दी। अब इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो एरर आएगा। आगे उन्होंने एक दो वेरिएबल लिए, एक एक कॉस्ट का वेरिएबल ले लिया, बुक्स का वेरिएबल, एक कॉस्ट का वेरिएबल एज इंटीजर, बुक्स के अंदर उसने वो ले लिया है, बुक्स की वैल्यू ले रही है। कॉस्ट कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि बुक्स जितनी बुक्स हैं मल्टीपल बाय प्राइस, तो कॉस्ट आ जाएगी और उसको यहाँ पर ये शो करवा रहे हैं। अब ये मैसेज बॉक्स है तो अब ये भी नई चीज़ आ गई, मैसेज बॉक्स आप लोगों के लिए सिंपल, हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करवा सकते थे लेकिन मैसेज बॉक्स में शो करवाया। ठीक है, हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करवा सकते थे, तो मैं दोनों तरीके से आपको शो करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आज मैं ज़्यादा इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा वीक जो सा है वो फ्री होता है आप लोगों का, मतलब ये कि लेक्चर वीक का नहीं होता उसमें, तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको इसको क्या करते हैं, ठीक है जी, इसी को लेते हैं और हमने क्या करना है जी, बुक्स को एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है यहाँ पे। ठीक है, और बुक्स की वैल्यू असाइन करके तो उसको शो करवाना है, तो कमांड पे डबल क्लिक करते हैं, इसको हम कर देते हैं, ये हम ख़त्म कर देते हैं जी। ठीक है, और यहाँ बनाते हैं जी। अब हमने क्या बनाना है, एक एक कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट कांस्टेंट कहते कहते कौन सा वर्ड यूज करते थे हम, कॉस्ट का ख्याल में, कॉस्ट का वर्ड था, दोबारा उसको देख लेते हैं कैसे कॉस्ट का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे उसमें, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट का वर्ड,
और आगे वेरिए उसका कॉन्स्टेंट का नाम और आइडेंटिटी, ठीक हो गया। और वैल्यू भी लाजमी असाइन करनी है, वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तो एरर आएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट, जब हम डिम का वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ कॉस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, एज क्या है, एज इंटीजर, और सॉरी देखिए इंटीजर और इक्वल टू, और उसको वैल्यू कर देते हैं 100 कर दें, वही उनकी वाली, ठीक है। देखिए अब वैल्यू नहीं असाइन करते तो वो एरर देगा, देखते हैं वाला करें। देखें अब वो कह रहा है, वो कह रहा है जिसको वैल्यू असाइन करो, अगर आपने कॉस्ट किया है तो उसको वैल्यू असाइन, वैल्यू नहीं असाइन करोगे तो एरर देगा। वो कह रहा है जी वैल्यू असाइन करो, मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ, अब एंटर करता हूँ तो अब वो एरर नहीं दे रहा, ठीक है। और ये देखिए ये ब्लू हो गया, ये कॉस्ट क्या है, ये आपका क्या कहते हैं उसको, ये कौन से वर्ड है, ये उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी आ गया। अब जनाब बुक्स की वैल्यू हमने असाइन करनी, कितनी बुक्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स, तो एक और वेरिएबल असाइन कर लेते हैं डिम, इसका नाम मैं रखता हूँ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बी डब्लू के एस, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू, ठीक है, डिम नंबर ऑफ बुक्स कर दिया। और यहाँ पे हम वो उसका कर देंगे, यहाँ पे हम इसमें ले लेंगे नंबर, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया, चलो उसी तरह बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बुक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उन्होंने भी वैसे किया, नंबर ऑफ बुक्स मैंने लिख दिया, उन्होंने सिर्फ बुक्स लिखा है, ठीक है। तो ये आप अपने वेरिएबल का नाम अपनी तरफ से लिख सकते हो। और इसका क्या है जनाब, इसके देखो इसकी वैल्यू क्या, नेम क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट वन। तो हम इसको जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, क्या मतलब, क्या कर रहा है, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, हाँ सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। डिम नंबर ऑफ वेरिएबल एज बुक्स, एज क्या, एज एज इंटीजर, एक एस छोटा, आई एन टी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर ले लिया। और अब हम इसको यहाँ पे असाइन कराते हैं नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बी डब्लू के एस बुक्स इक्वल टू, इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, वो वाले ये वाले जो है ना टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो वैल्यू एंटर करें वो कहाँ आ जाए, नंबर ऑफ बुक्स में, ठीक है। अब इसकी हमने कॉस्ट निकालनी है तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिए तो डिम सी यू एस टी कॉस्ट एज इंटीजर, ठीक हो गया जी, आई एन टी ई जी ई आर इंटीजर, ठीक है जी, इंटीजर हो गया, ठीक है। अब हो गया ये, अब हम इसके कहते हैं जी कॉस्ट इक्वल टू, कॉस्ट इक्वल टू क्या है जनाब, कि ये जो नंबर ऑफ बुक्स में जो वैल्यू है एन यू एम बी ई आर नंबर ऑफ बी डब्ल्यू ओ के एस बुक्स, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है जी, आपने करना है प्राइस के साथ, प्राइस, ठीक हो गया जी। अब कॉस्ट में वैल्यू होगी, अब इस कॉस्ट को आप टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करवा सकते हो, यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स बना लो, ठीक है, या आप इसको मैसेज बॉक्स में भी शो करवा सकते हो, जिसका इन्होंने शो करवाया, ठीक है। मैसेज बॉक्स में शो कराने का क्या तरीका है, मैसेज बॉक्स लिखना है, इसके अंदर जो वैल्यू करेंगे ना टोटल कास्ट इक्वल टू, वो वहाँ शो करेगा इस डब्बे के अंदर, ये टोटल कास्ट यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जब एंड का साइन दोगे ना, ठीक है, एंड का साइन देकर आपने वो वेरिएबल बताना है कि जनाब ये कॉस्ट आपने शो करनी है, और फिर कॉमा करके उसको कहना है ये वीबी इंफॉर्मेशन है, और क्या वीबी इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट की, ये कॉस्ट कहाँ है, ये ऊपर जो शो हो रहा है ये टाइटल, ये कॉस्ट है, और ये क्या टाइप की इंफॉर्मेशन, ये जो साइन आ रहा है ना, ये साइन इसका है वीबी इंफॉर्मेशन, ये वीबी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये साइन आएगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, ये मैसेज बॉक्स को ना एक दफ़ा चला के चेक करते हैं। तो एम एस जी मैसेज बी मैसेज बॉक्स है क्या, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया मैसेज बॉक्स को, हम यूज़ करते हो मैसेज बॉक्स, ठीक हो गई, एम एस जी मैसेज बी ओ एक्स मैसेज बॉक्स, और फिर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में हमने क्या लिखना है, टोटल मतलब क्या थी, टोटल जो हम करेंगे वो वहाँ पे शो करेगा, टोटल कॉस्ट इज, ठीक है जी, टोटल कॉस्ट इज। अब आगे क्या था, आगे था जी एंड का साइन, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कर दें आगे, जो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना वो शो करेगा, मतलब एज इट इज, एंड में करेंगे कॉस्ट, ठीक है। अब बड़ा चलाते हैं, करता है या नहीं करता, यहाँ पे हम लिखते हैं 3, देखें ये आ गया, टोटल कॉस्ट इज 300, क्यों, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 3 नंबर ऑफ बुक्स है,
और एक बुक की प्राइस कितनी हमने रखी हुई है 100, तो यहाँ पे शो हो गया, इतना भी देखें शो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट वन आ रहा है, अगर हम जहाँ चाह रहे हैं कॉस्ट लिख फिया और वहाँ पे वो साइन भी आए, ये वाला साइन अगर हम लाना चाह रहे हैं कि ये वाला साइन आए, तो ये वाला साइन कैसे आएगा जब हम VB इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो अभी लिख के दिखाता हूँ आपको, अब यहाँ मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ कॉमा दे के क्या लिखता हूँ VB, ये देखें खुद बता रहा है वो VB इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसमें, ये देखें VB इन्फॉर्मेशन। अब मैंने एंटर किया, अब देखें अब मैं इसको चलाता हूँ, अब यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, ये देखें पहले ये साइन नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, अब ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वन आ रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ प्रोजेक्ट वन है, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, तो कैसे आएगा इसी मैसेज बॉक्स के अंदर कॉमा लिख कर, सॉरी मेरा सब प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लिख के मैं लिख दूंगा कॉस्ट, COST कॉस्ट, और मैं कहूँ डबल कोटेशन में लिखनी है। और अब मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ फिर 2 लिखता हूँ, कमांड करता हूँ, देखें जी टोटल कॉस्ट इज 200 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स 2 होगी तो 200, तो ये साइन भी आ गया VB इन्फॉर्मेशन, और देखें यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है, पहले प्रोजेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है जी आज इतना ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो फिर वही मेरी आखिर में वही बात है कि इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस जो सा है ये थोड़ा सा बल्कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन ही कर ले अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस ही से आप लोग करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है विजुअल बेसिक पे, ठीक है, तो देखिए मुझे भी कितने इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। और मैं इसको अगले लेक्चर में इसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।